मुंबई स्थित विले पार्ले में बीजेपी के प्रत्याशी पराग अलवड़ी ने रैली निकाली। इस रैली में राजेश मेहता और भाजपा नगर सेविका सुनीता मेहता चुनाव प्रचार में शामिल रही। यह रैली विले पार्ले स्टेशन से लेकर इरला रोड मीठी बाई कॉलेज तक हुआ। इस रैली में पराग अलवड़ी के समर्थक बड़ी तादाद में शामिल रहे। साथ ही साथ पराग अलवड़ी सभी लोगों से बातचीत करते रहे, वहां के स्थानीय लोगों से। पिछले 5 साल से राय जनाते बने किया हुआ मतलब और राष्ट्रपति मुंबई को पहली बार देने वाली सरकार मुंबई ने दी। 1,00,000 करोड़ रुपए के विकास काम आज मुंबई में राज्य और केंद्र सरकार मुंबई ने पहले कभी भी नहीं देखा। मेट्रो बन रहे हैं, खास करके विले पार्ले विधानसभा में 8 मेट्रो स्टेशन आई है और मुंबई के हर कोने पर इस तरफ मानपुर वहाँ पर कुलाबा वहाँ पर डीएम नगर से चालू उधर तो सभी कोनों को जोड़ने का काम विले पार्ले के साथ जोड़ने का काम इस मेट्रो के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं रोड बन रहे। तो राज्य सरकार की ओर से पहली बार हम देख रहे हैं कि मुंबई के लिए एक माध्यम ये मिला है और इसलिए फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी की सहमति की सरकार एक पहली विनती हम जनता और सतत मैं भी मतदार संघ में संपर्क कर रहा हूँ 5 साल से। फिर वो नागरी इशू सिविक इशूज हो छोटे मोटे या मुंबई के डेवलपमेंट प्लान में विले पार्ले वेस्ट में 2.5 एकड़ का गार्डन नया मिले इसके लिए किया हुआ प्रयास हो, टेनेंट्स के लिए नया कानून बने इसके लिए किया हुआ, अनेक मुद्दों के आधार पर लोग संपर्क मिले। यहाँ पे नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता है वार्ड क्रमांक 70 की और उनके सानिध्य में आज की जो रैली हुई है एक अभूतपूर्व रैली, 4-5 रैली पूरे वार्ड 70 में हुई है जो विले पार्ले स्टेशन से लेके इरला ब्रिज तक का पट्टा आता है और आप देख रहे जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या पराग जी को सपोर्ट करने के लिए और उनको उत्साह बढ़ाने के लिए और सभी कार्यकर्ता एक दृढ़ निश्चय के साथ में कि पूरे जो पार्ला विधानसभा सबसे ज्यादा लीड पार्ले विधानसभा को देना है ऐसा एक लक्ष्य तय करके नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी का हाथ मजबूत करना है और पार्ले विधानसभा से पराग जी को भारी बहुमतों से विजय बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज सभी कार्यकर्ता इस रैली में सम्मिलित हुए और लोगों का स्फूर्त प्रतिसाद उन्हें मिला। क्योंकि पराग जी हमारे आमदार है और उन्होंने हमारे वार्ड में भी बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है तो उनका साथ और सरकार हमको हर काम में मिलता है तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि वो एक बार फिर से हमारे आमदार बन के भारी मतों से जीते और हमारा साथ और सरकार हर एकदम बना रहे। पार्लामेंट पराग जी ने कई सालों से कार्य पहले नगर सेवक बन चुके हैं तो एक बार आमदार बनते हुए वापस आमदार हो गए तो 1,00,000 मतों से उनका विजय हो गया। पराग अलवनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।